सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये देखें, हमने मलमल के कपड़े की ड्रेस बनाई थी जो गर्मी में कान्हा जी ने बहुत पहनी और बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही कंफर्टेबल थी। तो ये मैंने अपने जीरो नंबर कान्हा जी के लिए भी बनाई थी, तो काफ़ी मैसेज थे कि जीरो नंबर कान्हा जी के लिए कैसे बनाएं। तो बनाने का सेम ही तरीका था, कोई अलग नहीं था, सिर्फ मैंने जो चोली के हिसाब से ड्रेस बनाई थी, तो वैसे ही आपको जीरो नंबर की भी बनानी थी। तो लेकिन अगर जैसे जन्माष्टमी है तो हमें ड्रेस बनानी है, यही ड्रेस अगर हम हैवी बनाएं तो कैसे बनाएंगे। तो मैंने जैसे बता दिया था आपको कि भाई आप इसकी जगह थोड़ा सा हैवी वर्क कर सकते हैं। तो अगर हम ये पट्टी, और ये पट्टी भी अगर हम हैवी जरी की लाइनिंग वाइनिंग, क्योंकि जरी का कपड़ा लेंगे या कोई हम कोई भी कपड़ा लेते, जैसे ये तो हमने एकदम फोल्ड कर दिया, पतला कपड़ा था, तो इसलिए हमारी ड्रेस बहुत अच्छी आई, क्योंकि इस डिज़ाइन में कपड़ा सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमें इस तरीके से पहनाना है कान्हा जी को। अगर इसमें जरी लग मतलब का कोई जरी का या कोई हैवी कपड़ा ले लेंगे तो हम यहाँ से पाइपिंग वगैरह लगा के बहुत मोटा हो जाएगा, तो वो पहनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं पहले एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो अब ये मैंने देखा है कि ये चीज़ आपको सॉफ्ट ही बनानी पड़ेगी, ये बेल्ट और ये बेल्ट, और ये चीज़ आप जो है हैवी बना सकते हैं, तो इससे आपकी ड्रेस जो है बहुत सुंदर बनेगी। तो आज हम अपने छोटे कान्हा जी के लिए इसी तरीके से बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक हैवी कपड़ा ले लिया है जो हम सिर्फ बॉर्डर के तौर पे नीचे नीचे पतला पतला लगाएंगे, देखिए। और येलो कलर का मैंने जो है कॉटन का स्टेप, ये देखिए कॉटन के कपड़ा, ये मतलब कि एकदम प्योर कॉटन नहीं है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं लगेगी। इसी को मैं इस तरीके से फोल्ड करके बनाऊंगी, क्योंकि जीरो नंबर कान्हा जी का बहुत ही कम साइज होता है, तो इसके साथ हम येलो को इस तरीके से बनाएंगे। तो ये कंट्रास्ट में हम ड्रेस बनाएंगे। तो ये हम कॉटन का कपड़ा ऊपर की तरफ लेंगे, जिससे कान्हा जी को दिक्कत भी ना हो, क्योंकि इसमें नेपी भी बनती है और पटका भी बनता है और साथ में चोली भी बन जाती है। तो नीचे ये घेरे में आता है, तो नीचे आप जरी का कपड़ा लगा सकते हो, कोई लगा सकते हो, लेकिन ऊपर आपको कॉटन का ही कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो चलिए जीरो नंबर कान्हा जी के लिए आज ड्रेस बना लेते हैं। तो देखिए, हम इस कपड़े में बनाएंगे कॉटन का कपड़ा है, शाइनिंग वाला, फिनिशिंग वाला, ये नहीं कि आप बिल्कुल एक डल कपड़ा लें। तो ये धुलने पर इसमें सलवट भी नहीं आती, बहुत अच्छा कपड़ा है। तो ये हमने लिया है, आप ब्लाउज पीस टाइप का भी ले सकते हो। तो 1.5 इंच हम चौड़ा और इस तरीके से एक लंबा कपड़ा ले लेंगे 5.5 इंच, और उसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर कर हम सिलाई कर देंगे 1/2 इंच की दूरी पर, और फिर हम इसको पलट कर इस तरीके से दोनों तरफ घोटा लगा के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम ड्रेस बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा इस तरीके से चलते हैं। तो पहले हम ये पट्टी बना के तैयार कर लेते हैं, 1/2 इंच चौड़ी और 5.5 इंच लंबी, उसको फिर कट करके आगे बनाएंगे। तो ये देखिए 1/2 इंच चौड़ी और 5.5 इंच हमने लंबी पट्टी बना ली है। अब हमारी 1 इंच के हिसाब से बना रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 इंच की एक पट्टी हम यहाँ से कट कर लेंगे, और ये अभी हम बाद में बताएंगे कितनी हमने बनानी है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट कर ली, अब इसको हमने ऐसे लेना है, और मैं ड्रेस में इसमें बता चुकी हूँ आपको अच्छे से, बस में जीरो नंबर की काफ़ी फरमाइश थी, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हमने ऐसे कर लेना है, यानी कि आप ऐसे करके और इसको नोक को इस तरीके से, या आप इस तरीके से ऐसे देखिए जैसे चोली बनाते हैं, ऐसे कीजिएगा और इसको ऐसे बिठा लीजिए। तो ये जो बीच का हिस्सा है, सिर्फ हमारी ये लंबाई होनी चाहिए, तो ये हम इस तरीके से नापते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर आप जीरो नंबर की बना रहे हैं तो आप इस छोटे पीस को जो है नाप कर 1.5 इंच पर कट कर लीजिए। तो ये 1.5 इंच का, ये 4 इंच का, ऐसे 2 पीसेज ले लेंगे, और आपको इन दोनों को इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर सेंटर में इसको यहाँ से पीछे से रखिए, यानी कि सीधी साइड ये, उल्टी साइड ये, यहाँ से सिलाई लगा के इसको एक टी बना लेना है। तो ये आपकी चोली पटका सब तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर तीनों जगह जो है फ्रिल जो है अपने बनाएंगे वो लगा देंगे। असल में कान्हा जी के लिए तो बहुत गर्मी, अभी भी जैसे जन्माष्टमी पर बहुत गर्मी है, तो इसलिए हम ये कॉटन के ही बनाया हमने। और अब हम इसके नीचे ये जो बनाएंगे फ्रिल तैयार करेंगे, ये हम थोड़ा सा हैवी बना देंगे। तो इसमें येलो, ये देख, इस कपड़े की हम एक लंबी पट्टी काटेंगे और नीचे लाइनिंग लगाकर
और ऊपर हम कॉटन का ही कपड़ा लगाएंगे क्योंकि फिर रील अच्छी नहीं आती है इसमें, ये बहुत मोटा है। ये देखिए, सिर्फ हम इसे बॉर्डर के लिए इस्तेमाल करेंगे नीचे, तो हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, एक पीस ये लिया है, एक पीस लाइनिंग का लिया है और नीचे हमने लेस लगा दी है। अब ये देखिए सब कच्चा है क्योंकि ऊपर हमें ये कॉटन का कपड़ा ही लगाना है, नहीं तो ये जो फ्रिल हमारी अच्छी नहीं बनेगी। इसमें मैं चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम बना रहे हैं जन्माष्टमी के लिए भी, तो जो मैंने नॉर्मल पूरी कॉटन की बनाई थी उसमें मैंने छोटी छोटी फ्रिल बनाई थी, इसमें मैं पूरा घेरा बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये हम कुछ 10 इंच की लंबी पट्टी ले ली हमने और 1 इंच के करीब मैंने बीच में बस ये लगाया और नीचे लेस लगाई है। 1.5 इंच या 2 इंच से ज़्यादा मैं घेरा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये हमारे छोटे से कान्हा जी हैं, तो 1.5 इंच जब बनाएंगे तो हम ऊपर थोड़ा सा पीले रंग का ये कपड़ा लगा के फ्रिल तैयार करेंगे। तो उसमें हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे, इसमें हमने लाइनिंग लगाई है क्योंकि वो कॉटन है, तो उससे थोड़ा सा सिर्फ हमें चुन्नट डालने में ईजी रहे, थोड़ा सा आउटलाइन आ जाएगी। और ऐसे ही हमने 2 पीसेज और कट कर ली, एक साथ लगा दी हमने। और ये देखिए, ये भी हमारा सेम यही साइज है और इसकी जो 3 इंच है, तो इसको हम 2 इंच भी बना सकते हैं छोटा छोटी सी फिर, लेकिन ये जन्माष्टमी की वजह से मैं थोड़ा हैवी बना रही हूँ, तो ये 3-3 इंच के हमने ये बना लिए हैं। और 1.5 इंच, इसको हम 1.5 इंच के करीब रखेंगे और इसको भी हम 1.5 इंच के, यानी कि बाकी तीनों का साइज सिर्फ ये हमारे घेरे का हमने सेंटर का रखा है। तो आप जब देखेंगे ड्रेस बनेगी, जब आपको थोड़ा समझ में आएगा, तो ये 3 पीसेज मैंने ले लिए। पहले इस ड्रेस में मैंने बराबर लिए थे, तो ये गर्मियों की थी, इसका अलग था, ये नाइट ड्रेस के तौर पे भी पहनाई जा सकती थी, हम ये सब पार्टी वेयर बनाएंगे। तो ये देखिए, अभी हम चौड़ा कपड़ा लगा रहे हैं, बाद में हम कट कर देंगे क्योंकि चुन्नटे डालने में थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, फिर बाद में हम कट कर देंगे। तो इस पीस को हम यहाँ किनारे की बखिया लगा के इसको इस तरीके से पलट देंगे। तो ये देखिए, हमने सिलकर इस तरीके से पलट दिए, यहाँ पर आप कोई लेस लगा सकते हैं। तो टोटल हम 1.5 इंच तैयार करेंगे और उसके बाद ऊपर इस तरीके से चुन्नटे डाल देंगे, क्योंकि ये ड्रेस आपको सॉफ्ट कपड़े में ही बनानी है। ऊपर कान्हा जी की, जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, हैवी ड्रेस, हैवी मतलब कि उसमें सिर्फ बड़े कान्हा जी की बनेगी, छोटे की नहीं बनेगी। नहीं तो ये ऐसे चुन्नटे डालेंगे हम, ऐसे घेरा बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई लेस लगानी लगा लो, तो तीनों आपको पीसेस इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर बारीक वाला घोटा ही लगा दिया है, बिल्कुल सिंपल लेस, हमने कुछ खास नहीं किया। देखिए, पतला हमारा कपड़ा पर, और ये जो हमारा हैवी कपड़ा था वो बीच में हमने थोड़ा थोड़ा लगा लिया। अगर हमारी बड़े कान्हा जी की ड्रेस होती तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लगता, तो बहुत ज़्यादा हमें ड्रेस बड़ी नहीं बनानी है क्योंकि अगर बड़ी होगी तो कान्हा जी बिल्कुल छुप जाएंगे। देखिए, 2 इंच का ही हमारा। अब यहाँ पर हम इस तरीके से फ्रिल लगाएंगे, तो ये पतला कपड़ा तो फ्रिल जो है बहुत अच्छी सी लग जाएगी और ये नीचे हमारा हैवी जो है डिजाइन ऐसे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से प्लीट्स डाल सकते हैं, ये देखिए ऐसे, और सिलाई करते रहिए। और ये हमारे दोनों पीस भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल बहुत ही प्यारी ये ड्रेस बन के तैयार होगी, जयपुरी लुक देगी। ये भी 2 इंच है और इसकी लंबाई 3 इंच है, तो इसको भी हम इसी तरीके से 1.5 इंच के अंदर इसको तैयार करेंगे, ज नहीं करेंगे, और घेरे को हम बेशक 2 इंच बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से प्लीट्स डाल लेंगे धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, ऐसे आप सुई को अंदर कीजिए और यहाँ से ऐसे कपड़ा उठाइए जितना अंगूठे के अंदर आ जाता है, और सुई को ऊपर कीजिए, फिर इस तरीके से आगे की तरफ ऐसे करना है आपको, और सुई को फिर उस प्लीट्स के ऊपर एक टांग का ऐसे लगा देना है, पास पास में अपने प्लीट्स डालनी है, फिर ऐसे इस तरीके से उठाना है ऐसे जितना अंगूठे के अंदर आता है, फिर इसको ऊपर करना है और फिर सुई के पास में ले जाना है, और इस प्लेट्स के ऊपर भी हमने सुई को ऊपर कर देना है। ये हम बड़ा बखिया कर रहे हैं इसलिए हमारा छोटी छोटी प्लेट्स आएगी, हमारी बहुत प्यारी लगेगी। फिर हम ये देखिए, यहीं से मैं इस तरीके से उठा लेती हूँ, तो ये पैर तक आता है हमारा, फिर इसको हम आगे की तरफ बिल्कुल अंदर ये सुई के पास में ले जाते हैं और सुई के उसको प्लेट्स को ऊपर कर देते हैं। इस तरीके से हम मतलब कि तीनों पीसेज में प्लेट्स डाल लेंगे। तो देखिए, हमारे कितने सुंदर कंट्रास्ट, कितना प्यारा ड्रेस का आया है। तो ये हमने प्लीट्स डाल लिए, तो ये जो हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये देखिए 2 इंच, 0 नंबर कानेज के लिए 2 इंच बहुत रहती है। तो जैसे हमने ये ड्रेस में जो ड्रेस बनाई थी इसी से मिलती जुलती हम बना रहे हैं, तो इसमें हमने जो है ये देखिए यहीं पर चुन्नटों को सेट कर दिया था इस पट्टी के साथ में। इसमें हम थोड़ा चौड़ा बना रहे हैं, बैक में जाके जो है जाएगी क्योंकि हमारी फ्रॉक की तरह लगेगी तो पीछे की तरफ जाए, इसलिए हमने इसमें जो है
प्लेट्स ज़्यादा डाली है और ये हमने छोटे पीसेज हैं, ये हम इतने ही प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से कि ये हमारी जो पट्टी है इसके ऊपर सेट हो जाए। तो ये देखिए हमने तीनों पे चुन्नटे डाल दिए। अब यहाँ पर हमें ये दोनों पीसेस तो हमारे इस तरीके से यहाँ से जुड़ जाएंगे छोटे वाले, और जो छोटा वाला बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर हम बड़ी वाली फ्रिल जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारी कमर पे आएगी। तो इसको जोड़ लेते हैं। ये देखिए सॉफ्ट होने की वजह से ड्रेस बहुत अच्छी आएगी। मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ कि ये चोली और इतना हिस्सा आपको सॉफ्ट में बनाना है, कोई लाइनिंग वगैरह नहीं लगानी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कान्हा जी के हाथ इतने छोटे होते हैं तो उसमें हम ये ड्रेस बनाने में दिक्कत होती है, बड़ी में आप जो है लाइनिंग लगा के प्रॉपर अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो छोटे पीसेज हैं इनमें हम इस तरीके से घोटा लगा लेंगे। देखिए ऐसे लगा के यहाँ से सिलाई लगा देंगे दोनों में, जिससे कि हम ये जो साइड ये लंबे वाले दोनों तरफ के पीस है छोटे वाले को बीच में जो अलग से जोड़ा उसमें नहीं, ये जो सीधा है हमारा इसमें हम इस तरीके से रख के ऊपर से सिलाई लगा सकें। तो ये देखिए हमने इस तरीके से लगा दिया। तो ये सॉफ्ट है इसलिए आराम से जब हम कान्हा जी को पहनाएंगे जैसे इस तरीके से तो ये आराम से मुड़ जाएगी। अगर ये जरी वरी वाला होता तो दिक्कत हो जाती। अब हमें सेंटर में जोड़ना है। यहाँ पर आपको कुछ देखना है कि ये जैसे हमने फ्रिल तैयार कर ली, पहले हम यहाँ पर घोटा नहीं लगाएंगे, हम इसको पहले सेंटर में सेट कर लेंगे। तो ये सीधी साइड है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे रखना है, और इसको भी हमने सीधे के ऊपर ये सीधा है और ये भी सीधी साइड ऐसे रखनी है। तो बिल्कुल ये जो पट्टी है हमारी बिल्कुल सेंटर में हम इस तरीके से सिलाई कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ से निकल जाएगा, ये आधा इंच की है तो यहाँ से थोड़ा पौना इंच ऐसे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आधा आधा इधर से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे 2 इंच की है तो बैक में जाके हमारा बंधेगा। तो ये बिल्कुल सेंटर में आपको पहले एक सिलाई लगा लेनी है, फिर उसके बाद जोड़ना है। तो ये देखिए 2 इंच हमने इस तरीके से कमर ली हुई है और सेंटर में हमने इसको ऐसे ही रफ अभी लगा दिया है। अब हम ये पट्टी लेंगे और यहाँ से इस तरीके से सिलाई करेंगे। जब ये हमारे पीछे के बांधने लायक हो जाए, यानी कि 2 इंच के करीब आप रख लीजिए, छोटे हैं कान्हा जी, फिर यहाँ से हम इसको यहाँ से ऐसे दबाते हुए, और ये जो बीच में हमने पट्टी लगाई है इसको भी हम इसी तरीके से इसके बीच में दबाते हुए ऐसे फिनिशिंग करते हुए यहाँ पर पट्टी निकाल देंगे और हमारी ड्रेस जो बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से ड्रेस बना के तैयार कर लिया है। ये मैंने देखिए हैवी बनाया जिससे फ्रॉक की तरह लग रहा है, और ऊपर से बिल्कुल कॉटन है जिससे कान्हा जी को गर्मी नहीं लगेगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। उसके साथ की हमने मैचिंग जो है पगड़ी बनाई है, पगड़ी में पहले बना चुकी हूँ, सिर्फ हम कलर कंट्रास्ट उस तरीके से डाल देते हैं। ऐसे में मैंने मोर पंखी लगा दिया, नेट की फ्रिल बना दी है और छोटी उंगली के हिसाब से मैंने बनाई है। तो इससे ये पगड़ी बिल्कुल ठीक बनती है। मेरा कान्हा जी को इसी उंगली के हिसाब से आती है, तो आप साइज़ देख के बनाइए। 1.5 इंच की पट्टी की बनाई है मैंने। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये देखिए राधे राधे।